हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ ऑनलाइन तैयारी। सो आज से हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है ऑर्डर एंड रैंकिंग, है ना। तो इससे पहले हमने ब्लड रिलेशन देखा, तो जिन भी स्टूडेंट्स को ब्लड रिलेशन में भी कोई डाउट है वो अपने कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ऑर्डर एंड रैंकिंग बेसिकली मतलब आपके किस काम आता है, मतलब कि आपको क्या क्या किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं। तो अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूँ तो मेरे पास 2-3 क्वेश्चन ऑर्डर एंड रैंकिंग से मिल जाते हैं किसी न किसी शिफ्ट में। मेंस में ऑर्डर एंड रैंकिंग रिलेटेड पज़ल आपको मिल जाती हैं, है ना। किसी न किसी पज़ल में आपसे पूछ के ऑर्डर एंड रैंकिंग भी उसमें वहाँ पे पूछ ली जाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन किस तरीके के बनते हैं बेसिकली ऑर्डर एंड रैंकिंग में, तो अगर आप देखो तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स, ठीक है, डेटा दे देते हैं, उसके बेसिस पे पूछते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, ठीक है। रैंक पूछ लेते हैं किसी भी पर्सन की, इधर फ्रॉम द लेफ्ट साइड और राइट साइड, या फिर टॉप से या फिर बॉटम से, ठीक है। दो पर्सन्स के बीच में कितने जने हैं, कितने पर्सन्स हैं दो पर्सन्स के बीच में, वो पूछ लेते हैं। मिनिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स पूछ लेते हैं कि अगर कोई भी हमें ग्रुप डेटा दे रखा है या फिर मतलब एक रो में कुछ अरेंजमेंट है, तो टोटल मतलब मैक्सिमम कितने हो सकते हैं या मिनिमम कितने हैं, ठीक है। और एक जैसे कोई एक रो दे रखी है उसमें कुछ अरेंजमेंट है, तो एक पर्टिकुलर पर्सन के लेफ्ट में कितने लोग हैं या राइट में कितने लोग हैं, ऐसा कुछ करके क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, ठीक है। पोजीशन इंटरचेंज करने के बाद उनकी रैंक्स पूछ लेते हैं, ठीक है। और असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद उनकी कैटेगरीज के हिसाब से, जैसे अगर कुछ कुछ केसेस में हमें दिया हुआ होता है कि कुछ पर्सन्स हैं उनकी डिफरेंट डिफरेंट एजेस हैं, वेट है, तो उसमें उस अकॉर्डिंग आपको ऑर्डरिंग सेट करने के बाद पूछ लिया जाता है कि क्या वेट है, कि कितना हो सकता है ना। तो उस तरीके से तो इसके काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, वन बाय वन करके सारे टाइप्स डिस्कस करेंगे विद क्वेश्चंस। तो फर्स्ट टाइप अगर हम देखें कि इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं कि टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स व्हेन द रैंक ऑफ वन पर्सन इज गिवन फ्रॉम बोथ द साइड। तो अगर एक जना है उसकी दोनों तरफ से रैंक दी है, लेफ्ट से भी राइट से भी या फिर टॉप से भी बॉटम से भी, फिर आपको टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स बताना है, ठीक है। तो इसका एक तो जैसे सिंपल फॉर्मूला है जो दे रखा है, विच इज़ रैंक वन प्लस रैंक टू माइनस वन। यानी अगर मतलब क्लियरली यहाँ से निकल जाएगा, अगर आप फॉर्मूला याद कर सकते हो तो क्लियरली यहाँ से निकल जाएगा। अगर दे रखा है कि एक पर्सन है वो 14th है राइट से एंड 13th है लेफ्ट से, तो टोटल कितने पर्सन होंगे, तो यानी 14 प्लस 13 27 माइनस 1 26। तो डायरेक्टली आप ऐसे भी निकाल सकते हो, बट मैं कहूँगा कि आप कहीं ना कहीं बेसिकली कॉन्सेप्ट में ज़्यादा घुसो, क्योंकि वो आपको बाद में हेल्प करेगा। हर बार फॉर्मूले याद नहीं रहेंगे, बट अगर कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आ गया तो उसमें अगर आप कॉन्सेप्ट से जाओगे तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो अगर मैं क्वेश्चन देखता हूँ, तो बिक्की रैंक्स 10th फ्रॉम द टॉप एंड 7th फ्रॉम द बॉटम इन सर्टेन एग्जाम, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन हिज क्लास, ठीक है। तो ये एक दिया हुआ है, तो टॉप से बिक्की की रैंक है 10th, है ना, और बॉटम से है 7th, ठीक है। यानी इससे ऊपर 9 लोग हैं और इससे नीचे 6 लोग हैं, ठीक है। अगर बिक्की की रैंक मतलब यहाँ से देखो एक बार, अगर विकी की रैंक टॉप से 10th है यानी उससे ऊपर 9 लोग हैं तभी वो 10वां है, तो उससे ऊपर मैंने 9 लिख दिया। अब बॉटम से 7th है यानी उससे नीचे 6 हैं तब मैंने 7 लिख दिया। तो अब टोटल पर्सन्स निकालना है, तो मैं कैसे करूँगा, 9 तो ऊपर है 6 नीचे हैं प्लस 1 विकी, तो कितना हुआ, 9 प्लस 6 14 प्लस 1 9 प्लस 6 15 प्लस 1 16, ठीक है। तो 16 इसका आंसर हो गया। अब अगर हम दूसरे तरीके से करें जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, तो उस हिसाब से क्या होगा, देखो रैंक वन क्या दी हुई है 10, रैंक टू क्या दी हुई है 7, और उसके बाद माइनस 1, तो 10 प्लस 7 17 माइनस 1 16। तो यहाँ से भी आंसर वही आ रहा है यहाँ से भी, बट यहाँ से मेरे को थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि किस तरीके से, मैं खाली फॉर्मूला पर डिपेंडेंट नहीं हूँ, है ना। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके पर। तो क्या है, इन अ रो ऑफ पर्सन पोजिशन ऑफ अजय इज 30th फ्रॉम द लेफ्ट साइड, ठीक है। तो ये रो है 30th फ्रॉम द लेफ्ट साइड, यानी यहाँ पे कितने लोग हैं 29, एंड द पोजिशन फ्रॉम द राइट साइड इज 34, ठीक है। तो यहाँ से उसकी 34, तो यहाँ पे कितने लोग हैं 33, यहाँ पे हैं 29, तो ये हो गया लेफ्ट से, ये हो गया राइट से। तो अब टोटल जने कितने हैं, तो यानी 29 प्लस 33 प्लस 1 अजय खुद, तो प्लस 1। तो अगर अब हम यहाँ से देखें तो इसका सम कितना आएगा, 30 प्लस 33 दैट इज 63, ठीक है। अब दूसरे तरीके से अगर आप करना चाहो जो फॉर्मूला बेस्ड था, तो 34 यानी 64 माइनस 1 दैट इज 63, तो यहाँ से भी वही आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं टाइप टू, टाइप टू में क्या है
कि टू फाइंड द पोजिशन ऑफ अ पर्सन फ्रॉम अपोजिट साइड वेन रैंक फ्रॉम वन साइड एंड टोटल नंबर ऑफ पर्सन इज गिवन. तो ठीक है, क्या करना है, एक अरेंजमेंट दिया हुआ होगा जिसमें एक साइड से मेरे को पर्सन की रैंक बताई हुई होगी. ठीक है, एक साइड से तो रैंक बताई हुई होगी और टोटल नंबर ऑफ पर्सन बताए हुए होंगे और मेरे को उसकी रैंक बतानी है अपोजिट साइड से. लेट्स से अगर मेरे को लेफ्ट से बताई हुई है और टोटल नंबर ऑफ पर्सन दिए हुए हैं तो अब मेरे को राइट से उसकी रैंक बतानी है. ठीक है, तो इसके लिए भी जो आपके पास फॉर्मूला है वो यही है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन माइनस पोजिशन ऑफ द सेम पर्सन फ्रॉम गिवन साइड प्लस वन. ठीक है, बट हम इसको एक बार कॉन्सेप्ट से भी देखेंगे, बेसिक से भी देखेंगे. तो अब क्वेश्चन क्या है, इन अ रो ऑफ 42 पर्सन, तो ये एक रो है, 42 पर्सन है इस रो में. रमेश फ्रॉम राइट साइड ऑफ द रो इज 22nd, तो वो यहाँ से 22nd है, यानी यहाँ पे कितने जने बचे मेरे पास, 21. ठीक है, अब जब यहाँ पे 21 है, ये 22 है रमेश की पोजीशन, तो यहाँ पे कितने जने हैं, 20. ठीक है, अब जब यहाँ पे 20 हैं और अगर मैं लेफ्ट से काउंट करना शुरू करूँ तो इसकी रैंक क्या हो जाएगी, 21 हो जाएगी, है ना. एक बार और देख लेते हैं, 42 है टोटल. ठीक है, 22 राइट से है, 22 राइट से रैंक है 22. ठीक है, यानी उससे पहले राइट साइड में कितने लोग हैं, 21 लोग हैं. एक रमेश हो गया 22, यानी उसके लेफ्ट में कितने लोग बचे, 20, क्योंकि टोटल हमारे होने चाहिए कितने, 42. तो 22 प्लस 20 कितना होगा, 42 होगा, तो यानी 42 उसके लेफ्ट में बचे. अब लेफ्ट से जब मैं रैंक लेना शुरू करूंगा तो 20 प्लस एक रमेश, है ना, तो 21st उसकी रैंक हो जाएगी. अब फॉर्मूले से देख लेते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितना है, 42. ठीक है, माइनस द पोजिशन ऑफ द पर्सन फ्रॉम गिवन साइड. ठीक है, तो क्या दी हुई है मेरे को, 22 दी हुई है, उसके बाद क्या है, प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा, 42 माइनस 22 दैट इज 20 प्लस 1 इक्वल्स टू 21. तो आप बेसिकली देखोगे कि यार फॉर्मूले कुछ नहीं, फॉर्मूले यहीं से ड्राइव्ड है. मैंने भी यही किया है कि क्या किया है, पहले 42 में से मैंने 22 माइनस किया है, उसके बाद प्लस 1 किया है उसकी रैंक. बट यहाँ पे फॉर्मूला है और यहाँ पे पता चल रहा है कि किस तरीके से ये फॉर्मूला ड्राइव हुआ है. तो कोशिश करना है कि आप इसी से करो, क्योंकि यहाँ पे गलती होने के चांसेस नहीं रहेंगे. अगर फॉर्मूला आप गलत भी लगा रहे हो तब भी यहाँ पे आपका आंसर सही आएगा. एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप पे, इन अ रो ऑफ 16 पर्सन. ठीक है, एक रो है जिसमें 16 लोग हैं, ए फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ द रो इज 12th. ठीक है, तो यह है 12th, यानी इससे पहले यहाँ पे 11 लोग हैं. ठीक है, फाइंड द पोजिशन ऑफ अमित फ्रॉम राइट साइड ऑफ द रो. तो 11 ये हो गए, 12 ये हो गए, यानी इधर कितने हैं, 4 हैं, 12, 13, 14, 15, 16, है ना, तो यानी 4 लोग हैं यहाँ पे. अब जब 4 यहाँ पे हो गए तो इसकी रैंक क्या होगी, 4 और एक इधर 5, तो 5th रैंक होगी राइट साइड से. फॉर्मूले से देख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ पर्सन 16 माइनस गिवन रैंक 12, विच मीन्स 4 प्लस 1 तो 5, तो 5th रैंक उसकी हो गई. ठीक है, तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो, बट ऑप्ट करना कि बेसिक मेथड हमेशा ऑप्ट करो. ठीक है, अगला टाइप देखते हैं, टाइप 3 की किस तरीके के क्वेश्चन बनता है. टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन अ रो व्हेन रैंक्स ऑफ टू पर्सन एंड नंबर ऑफ द पर्सन हु आर सिटिंग बिटवीन दीज टू पर्सन आर गिवन. तो मतलब क्या कहना चाहे कि यार एक तो हमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन बताने हैं एक रो में, अगर कोई रो है तो हमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन बताने हैं. व्हेन रैंक ऑफ टू पर्सन, जब रैंक ऑफ टू पर्सन मतलब दो जनों की रैंक दिया हो, एंड द नंबर ऑफ पर्सन हु आर सिटिंग बिटवीन दोज पर्सन. तो जैसे ये दो जने हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच की, एक तो इन दोनों की रैंक दी है, ठीक है, लेट से ये 16 है लेफ्ट से, ये 17 है, और इन दोनों के बीच में 5 लोग बैठे हैं, तो इस तरीके से दिया है, तो आपका टोटल क्या हो जाएगा, 16 प्लस 17 प्लस 5, है ना. बट यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि एक सिचुएशन और हो सकती है जब केस ओवरलैप कर सकता है. कैसे ओवरलैप कैसे कर सकता है, इसको भी हम भूल जाएंगे. ठीक है, ओवरलैप कैसे कर सकता है, अगर मेरे को दी हुई है लेफ्ट से 16 है और राइट से 18 है, वो इधर भी तो हो सकता है, क्या पता टोटल नंबर ऑफ पर्सन 16 प्लस 18 से कम हो, है ना, तो यानी वो ओवरलैप करेगा, यानी मैं यहाँ पे इसकी काउंटिंग दो बार कर रहा हूँ, इसकी काउंटिंग भी दो बार कर रहा हूँ, है ना, तो वहाँ पे हम माइनस 2 करते हैं क्योंकि मैं दो बार काउंट कर रहा हूँ. जब एक बार मैं 16 आ रहा हूँ तो मैंने 18 को काउंट कर लिया, और फिर जब मैं 18 पे आ रहा हूँ तो मैंने 16 को काउंट कर लिया. तो अब ये क्वेश्चन के साथ साथ दोबारा समझेंगे. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका. तो इसमें बेसिकली दो केस होते हैं, जिसमें ओवरलैप हो रहा होता है, जिसमें ओवरलैप नहीं हो रहा होता. ठीक है, तो दोनों केसेस को ध्यान में रख के करना है. तो अभी अगर देखते हैं तो क्वेश्चन क्या है, इन अ रो ऑफ 62 पर्सन. ठीक है, एक रो है जिसमें 62 पर्सन हैं,
रिया इज 24th फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो, ठीक है, लेफ्ट एंड से रिया 24th है, ठीक है, एंड रमन इज 20th फ्रॉम द राइट एंड राइट साइड ऑफ द रो, ठीक है, 20th फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द रो, ये रमन है, ठीक है. फाइंड आउट द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन देम, तो हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है, ठीक है. अब देखो मैंने क्यों अलग अलग बनाया, ओवरलैप केस इसमें क्यों नहीं बना, क्योंकि आप 24 + 20 करोगे तो कितना आएगा, 44 आएगा, विच इज 62 से लेस है ना, डेफिनेटली वो 62 से कम है. अब जब वो 62 से कम है तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में कुछ लोग होंगे जो कि ये गैप पूरा कर रहे होंगे 62 और 44 के बीच का, है ना, क्योंकि देखो यहाँ से तो 24 हो गए, यहाँ से 20 हो गए. अब ये जो बचे हैं यही तो मेरे 62 बनाएंगे, क्योंकि ये दोनों मिला के तो 44 हो रहे हैं ना, ये दोनों मिला के तो 44 हो रहे हैं, तो यहाँ जो बचेंगे तभी तो मेरे 62 हो पाएंगे, तो यानी ये ओवरलैप वाला केस नहीं है. अगर अब मैं देखूँ तो 24 and 20, ठीक है, तो टोटल मेरे पास हैं 44, यानी रैंक ऑफ रिया और रैंक ऑफ रमन अगर मैं दोनों की देख लेता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास 44 लोग हो गए और टोटल मेरे पास कितने हैं 62. अगर मैं 62 में से 44 हटाऊं तो 18 मेरे पास 18 लोग बचे जो इनके बीच में होंगे, तो 18 इज द राइट आंसर, ठीक है. अब एक बार और दोबारा से देख लेते हैं अगर कोई कन्फ्यूजन अभी भी रह गया, तो टोटल स्टूडेंट 62 दिए हुए मेरे को, ठीक है, दोनों की रैंक मिला के मेरे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो रहे हैं 44, तो डेफिनेटली इन दोनों के बीच में कोई ना कोई नंबर है, क्योंकि जो मेरे दोनों को रैंक मिला के अगर मैं ऐड कर रहा हूँ तो वो छोटा है 62 से, तो इन दोनों पर्सन्स के बीच में कुछ ना कुछ पर्सन्स डेफिनेटली हैं. अब वो पर्सन्स कितने होंगे, तो आप 62 में से 44 अगर आप माइनस करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, तो आपके पास 18 आएगा, तो 18 पर्सन्स इन लोगों के बीच में बैठे हैं. अगर आप टोटल अब सम अप करते हो तो आप खुद देख सकते हो, तो 24, 18 + 20 अगर आप सबका सम अप करते हो तो 62 आपका आंसर आएगा, तो 62 यानी हमारे टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स के इक्वल आ रहा है, तो यानी मेरी रो कंप्लीट हो रही है. अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं. तो अगला क्वेश्चन क्या है, इन अ रो ऑफ 54 पर्सन, तो यहाँ पे 54 है, ए इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द रो, तो ए जो है वो 15th है फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द रो, और बी जो है वो 20 है फ्रॉम द राइट साइड, ठीक है. तो डेफिनेटली अब मैं 15 + 20 करूँ 35 विच इज लेस देन 54, जो कि 54 से कम है, 54 से कम है, तो डेफिनेटली ए और बी के बीच में कुछ ना कुछ पर्सनस तो हैं. अब कितने पर्सन होंगे, तो 35 यानी 54 - 35 विच इज 19, सो द राइट आंसर इज 19. अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इन अ रो ऑफ 62 पर्सन, ठीक है, तो यहाँ पे भी एक रो है जिसमें 62 पर्सन हैं, रिया इज 36 फ्रॉम द लेफ्ट साइड, तो रिया जो है वो 36 है लेफ्ट साइड से, एंड रमन इज 29th फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द रो. अब देखो 36 + 29 अगर मैं करता हूँ तो मेरे पास कितना है 65, विच इज ग्रेटर देन 62, तो डेफिनेटली ये ओवरलैपिंग वाला केस है. यहाँ पे जो रमन है वो रिया को ओवरलैप कर रहा है, एंड रिया जो रमन को ओवरलैप करे, तो कहीं ना कहीं रमन यहाँ पे आएगा, ठीक है, और इसकी रैंक है 29th, ठीक है. अगर अब मैं देखूँ इन दोनों का सम अप करके मेरे पास 65 पर्सन हैं टोटल, ठीक है, 65 है ना, इन दोनों की रैंक मिला के 65 हो रहा है, यानी अगर मैं 62 माइनस करता हूँ मेरे पास 3 आते हैं, है ना, तो यानी 3 का डिफरेंस आ रहा है. बट अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक बार तो मैंने रमन की रैंक एक्स्ट्रा ली हुई है और एक बार रिया की रैंक एक्स्ट्रा ली हुई है. क्यों, रमन के केस में मैंने रिया एक बार काउंट कर लिया है ना, और रिया के केस में मैंने रमन एक बार काउंट कर लिया, और इनके खुद के केसेस में तो एक एक बार इन लोगों को मैंने काउंट कर ही रखा है. जैसे कि जब मैंने रिया की रैंक बोली 36th, तो इसमें मैंने रिया को कंसिडर कर लिया है, ठीक है, बट जब मैंने रमन की रैंक भी बोली 29th, तो मैंने रिया को दोबारा से कंसिडर कर लिया, विच मीन्स मेरे को एक बार रिया की रैंक माइनस करनी पड़ेगी, सिमिलरली मेरे को एक बार रमन की रैंक माइनस करनी पड़ेगी, तो इफ़ वी माइनस 2 फ्रॉम 3 तो 1, सो देर इज 1 पर्सन बिटवीन रमन एंड रिया, तो रमन और रिया के बीच में एक जना है, ठीक है, सो आंसर हो जाएगा आपका 1, ठीक है. तो आई होप कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हो. तो अभी तक हमने 3 केसेस देखे हैं, अगली क्लास में बाकी के रिमेनिंग जो केसेस रह गए हैं वो देखेंगे. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन, और इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन और सब्सक्राइब टू द चैनल. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स. थैंक यू.